साथियों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। साथियों लेक्चर ऑन सीआरपीसी के ऊपर मेरे लेक्चर चल ही रहे हैं, वुमेन क्रिमिनल लॉ के ऊपर और इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर भी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की थी मैंने। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आइडिया दिया मैंने आपको, वुमेन क्रिमिनल वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ का कुछ पार्ट जिसमें अपन ने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट देखा, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और अपन ने देखा सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3011 के ऊपर गाइडलाइंस को भी देखा। वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अपन IPC के जो सेक्शंस या जो पार्ट दे रखे हैं उन पर भी अपन डिस्कस करेंगे। आपकी जो डिमांड्स आ रही है मेरे स्टूडेंट्स की और मेरे जो व्यूअर्स हैं कि सर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सिविल जज के, ADPO के, ADJ के, उनके अंतर्गत लीडिंग केसेस को आप लें, तो उसी श्रृंखला में आज CRPC के इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेस 2015 से लेके 1962 तक के जो इम्पोर्टेंट केसेस हो सकते थे चुने हुए वो मैंने लिए हैं, उस श्रृंखला में आज पहला ये वीडियो है। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं, आइए तो चलते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर। प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात लीडिंग केस इस प्रकार है। नंबर 1 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। 2 लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस 427 के मामले में तेजाब के हमले में घायल व्यक्ति के चिकित्सीय इलाज के लिए निर्देश जारी किए गए थे। 3 मध्यप्रदेश राज्य बनाम मदन लाल 2015 के मामले में ये बाद में निर्धारित किया कि बलात्कार के मामलों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं होगा। 4 उड़ीसा राज्य बनाम नाथपाड़ी AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 359 के मामले में निर्णय दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विच्छित करने या संज्ञान में लेने के समय अभियुक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। 5 भूपिंदर शर्मा बनाम HP राज्य AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 4684 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि यौन जनित हिंसा की शिकार महिला का नाम निर्णय में इंगित नहीं किया जाना चाहिए। 6 केहर सिंह बनाम स्टेट 1989 क्रिमिनल लॉ जनरल 1 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था। 7 हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 404 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि परिवाद एवं पुलिस प्रतिवेदन में वर्णन पूर्णतः भिन्न एवं विरोधाभासी है तो उन प्रकरणों का विचारण पृथक तक किया जाना चाहिए। 8 मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 945 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी लोगों पर लागू होती है चाहे वे किसी भी धर्म के हों। 9 देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी बनाम नारायण रेड्डी AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1672 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) तथा धारा 202 के अधीन पुलिस अन्वेषण के लिए दिए गए आदेश के बीच विभेद को स्पष्ट किया।
10 डी के गणेश बाबू बनाम पीटी मनोकरण एआईआर 2007 के मामले में साधारण जमानत गिरफ्तारी के बाद ली जाती है, जबकि अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले। अग्रिम जमानत लेने की शक्ति का प्रयोग असाधारण मामलों में किया जाता है और किया जाना चाहिए। 11 डॉक्टर विजय मनोहर अर्बट बनाम काशीराव राजाराम सबाई 1987 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन है वह अपने माता अथवा पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। 12 मुख्तियार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2009 के मामले में टेलीग्राम द्वारा भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। 13 मामा नारायण घिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2009 के मामले में जमानती अपराधों में जमानत अनुदत्त करने में विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं है। 14 भारत संघ बनाम मुसम्मा तजीबुन्निसा खातून AIR 2001 के मामले में धारा 145 के अंतर्गत चलाई गई कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वत्व के प्रश्न को तय करना। 15 रोहता सिंह बनाम श्रीमती रामेंद्री AIR 2000 के मामले में तलाक के बाद भी वर्ण पोषण के प्रयोजन स्त्री पत्नी की हैसियत ही रखती है, चाहे तलाक पत्नी द्वारा या उसकी गलती अथवा दोष पर ही क्यों ना हो। पति ऐसी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। वहीं अगला मामला है 16 सविताबेन सोमभाई भाटिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2003। शब्द पत्नी से अभिप्राय ऐसी स्त्री से है जो विधिवत रूप से विवाहिता पत्नी है। 17 खेमचंद ओम प्रकाश शर्मा बनाम गुजरात राज्य तथा अन्य 2000, जहां बिलारती की पहली पत्नी जीवित हो और उसका विवाह तलाक की डिग्री या अन्यथा रद्द नहीं हुआ है, वहाँ दूसरी पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी, क्योंकि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह अकृत और शून्य होता है, लेकिन दूसरी पत्नी के बच्चे भरण पोषण के हकदार होंगे। 18 दिलीप के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा अन्य AIR 1997 के मामले में अन्वेषण तथा परिप्रश्न के दौरान अभिरक्षा में होने वाले अपराधों को नियमित करने हेतु संबद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले सिद्धांतों को विस्तृत रूप से दूरदर्शन रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित करना चाहिए। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित यह मामला था। 19 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम रामकिशोर बालोडिया AIR 1995 के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होना असंवैधानिक नहीं है। 20 ललित मोहन बनाम तृप्ता देवी AIR 1990 के मामले में घातक चोटों के कारण स्थायी रूप से निर्योग्य पति जिसके पास आय के स्वतंत्र स्रोत नहीं है अपनी पत्नी से भरण पोषण की राशि पाने का हकदार है। समुद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1987 के मामले में दहेज हत्या के मामलों में अग्रिम जमानत लिया जाना आवश्यक नहीं है, उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत से इनकार कर सकता है। 22 शहजाद हसन खान बनाम इश्तियाक हसन खान AIR 1987। अत्यंत गंभीर एवं संगीन प्रकृति जैसे दिनदहाड़े हत्या जैसे मामलों में जमानत पर प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 23 भारत सरकार बनाम लक्ष्मी देवी 1986 का मामला है। सार्वजनिक रूप से फांसी देने से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। 24 दीना बनाम भारत संघ 1983 का मामला है, जिसमें कहा गया है मृत्युदंड का गर्दन में फंदे से लटकाकर निष्पादन संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता। 25 मोतीराम बनाम मध्यप्रदेश राज AIR 1978 का मामला, जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है। 26 मधु लमी बनाम SD मुंगेर 1971 का मामला, धारा 144 के अधीन पूर्वानुमानित कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि सभी प्रतिबंध लोक व्यवस्था एवं सामान्य जनता के हित में है, अतएव धारा 144 संवैधानिक है। 27 माणक चंद्र बनाम स्टेट 1968 का मामला, धारा 147 के प्रावधान केवल भूमि अथवा जल के उपयोग के अधिकारों संबंधित विवादों पर लागू होते हैं, स्वयं स्थावर संपत्ति से संबंधित विवादों पर नहीं। 28 गणेश बनाम स्टेट 1963 का मामला,
उन्मोचन से अभिप्राय दोष मुक्ति नहीं है, दोनों में अंतर है। 29 स्टेट ऑफ गुजरात बनाम बाबा 1962 का मामला, जिसमें जहां तक उन्मोचन के आदेश का प्रश्न है, यह केवल आरोप की वरिष्ठता के पूर्व ही दिया जा सकता है, बाद में नहीं। 30 गुलाब अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त आदेश प्रशासनिक प्रकृति का होता है, ना कि न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक प्रकृति का। अतः यदि इस आदेश से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिलंघन होता है तो उसे रिट अधिकारिता के अधीन चुनौती दी जा सकती है। 31 केहर सिंह बनाम स्टेट, दंड प्रक्रिया संहिता को संशोधन द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। 32 बिहार राज्य बनाम राम नरेश, अन्वेषण की अवैधता न्यायालय के विचारण की अधिकारिता को दूषित तो नहीं करती। 33 जाहिरा हबीबुल्ला एच शेख बनाम गुजरात राज्य के मामले में, विधि की व्यवस्था और सम्यक प्रक्रिया दोनों का मानवाधिकार की रक्षा से निकट संबंध है। 34 इकबाल इस्माइल सोडावाला बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, दंड की प्रक्रियात्मक विधि उस प्रक्रिया को बेहत करती है जो विधि शासन और तरंग अथवा सनक के शासन के बीच के बहुत बड़े अंतर का वर्ण विन्यास करती है। 35 रिचपाल खर्रा बनाम स्टेट 2015 के मामले में, सेक्शन 53A आरोपी का DNA परीक्षण अनिवार्य है। अदालत ने माना कि प्रकृति में धारा 53A अनिवार्य है, आरोपी के लिए DNA परीक्षण के लिए नमूना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 53A इज मैंडेटरी इन नेचर, इट इज कंपल्सरी फॉर द अक्यूज्ड टू प्रोवाइड सैंपल फॉर DNA टेस्टिंग। 36 रामकी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु राज्य 2015 का मामला था, अदालत ने कहा कि निरोधात्मक निरोध आदेश को स्थानीय भाषा में रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया है। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर इज क्वेश्ड ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ रिपोर्ट इन वर्नाक्यूलर। तो दोस्तों, ये लिस्ट थी लीडिंग केसेस की, मुझे लगता है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा और अपनी डिमांड्स भी रखिएगा, क्वेरीज हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट के लीडिंग केसेस लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।